मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने की बहुत बड़ी साजिश का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। सबसे पहले कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाया था कि किस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश की कांग्रेस शासित कमलनाथ की सरकार को गिराना चाहती है। और इस सब के बीच कल देर रात बहुत ड्रामा हुआ जब ये पता चला कि गुरुग्राम के एक होटल में कांग्रेस के कई विधायकों को रखा गया है। कांग्रेस और साथ ही बसपा और सपा के ऐसे विधायक जो कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे थे उनको रखा गया और पूरी रात ये ड्रामा चला। और उसके बाद सुबह दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस के ज़्यादातर और जो दूसरे समर्थित विधायक हैं उनको छुड़ा लिया गया है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको कोई खतरा नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि इसको लेके जो साजिश रची गई है किस तरह से खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा उसका खुलासा एक प्रेस वार्ता के जरिए किया जाएगा। इस वक्त हम मध्य प्रदेश भवन में हैं और ये जानकारी मिल रही है कि कई जो विधायक जिनको होस्टेज रखा गया था जिनको छुड़ाया गया उनमें से कुछ यहाँ पे भी मौजूद हैं। और सुबह से ही दिग्विजय सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं। पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लालच दिया जा रहा है। क्या ऑफर था सर कांग्रेस के एमएलए को, क्या ऑफर दिया गया था, कितने पैसे नहीं मालूम सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से मैं एक बात कहता हूं, मैं बिना तथ्यों के कोई बात करता नहीं। और इसमें जो मैंने कहा था, जो एमएलए का सूचना मुझे मिल रही है वो यही था, पहली किस्त 5 करोड़, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में सेकंड किस्त और थर्ड किस्त, जबकि सरकार गिराने के लिए ये तीनों किस्तों में दिया जाना था। इसके हमारे पास प्रमाण भी है, जब हम चाहेंगे जब दिखाएंगे। ऐसा है कि ये धौंस दपट पैसा, ये दादागिरी, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और संस्कृति में है। विशेषकर अमित शाह जी जब से बने हमारे यहाँ गृह मंत्री जी, तब से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो सर क्या कमलनाथ की सरकार में कोई संकट है या नहीं? लगता ही संकट नहीं, अगर संकट होता तो हम मुस्कुराते होते। पूरी रात ये ड्रामा चला जो गुरुग्राम के एक होटल में रखे गए थे कांग्रेस बीएसपी और सपा के विधायक जो कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आखिरकार उनको छुड़ा लिया गया है और दिग्विजय सिंह ने ये कह दिया कि अब सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये जो साजिश है इसका खुलासा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता के जरिए करेगी। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।